आप कहाँ से हैं? मैं यूएस से हूँ। ओके, डॉक्टर आशुतोष का रेफरेंस आपको कैसे मिला? उसे मेरे एक फ्रेंड ने बोला था और गूगल पे मैंने सर्च किया था ना, उससे मुझे कॉन्टेक्ट नंबर मिला था। ओके, ये टमी टक सर्जरी आप क्यों करवाना चाहते थे? क्योंकि मुझे मेरा पेट बड़ा हुआ लग रहा था और मेरा स्किन थोड़ा सा लूज हो गया था। जैसे मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती थी ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, बेरोड जैसा दिख रहा था। इसलिए मुझे मैंने सर्च किया तो ये प्रोसीजर ऐसी होती है तमिक, जैसे पेट कैसे फ्लैट हो सकता है। तो फिर सर्च किया तो मुझे पता चला कि ऐसी कोई है टेक्निक से आप पेट को फ्लैट कर सकते हो। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं करवा सकती हूँ। ओके, डॉक्टर आशुतोष तो वैसे इंडिया में सूरत में है और आप यूएसए से, जब भी कुछ कॉलिंग वगैरह करनी थी, बात करनी थी तो कैसे हो रही थी? नहीं, बहुत इजी से मैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करती थी और मेरा जो भी क्वेश्चन था वो आंसर अच्छे से देते थे और कंफ्यूजन पूरा दूर किया था उन्होंने। ओके, और जब भी मतलब बाहर से कुछ बात करनी थी तो रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा था? बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे वो बिजी रहते थे कॉल, मेरा कॉल बैक वापस करते थे वो। ओके, आपको इंडिया में अपॉइंटमेंट आराम से मिल चुकी थी? हाँ, आराम से मिल गई थी अपॉइंटमेंट भी। ओके, सर्जरी से पहले जो भी कुछ कह लेना था डॉक्टर आशुतोष ने आपको बराबर से समझाया? बहुत अच्छे से समझाया था कैसा क्या करना है, वो ऐसे ही किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, सर्जरी के दिन का माहौल कैसा था? जैसे फ्रेंडली, सब सारे डॉक्टर सारे फ्रेंडली थे और कुछ भी डर भी नहीं लग रहा था। इजिली जैसे नॉर्मल सर्जरी होती ना वैसे ही नॉर्मली हो गई थी। ओके, और सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने और उसके स्टाफ ने आपको कैसे केयर ली थी? स्टाफ और डॉक्टर ने पूरी अच्छे से, जैसे घर के कोई छोटे से बच्चे की केयर करते ना वैसे केयर करके पूरा अच्छा ख्याल रखा था। ओके, जैसे आप डिस्चार्ज होके मतलब अपने घर पे गए थे तो फिर कैसे केयर ली थी? जनरली बात करना या बार बार पूछना वगैरह, कैसे आपकी केयर ले रहे थे? नहीं, वो मुझे टाइम से पूछते थे कुछ है, फीवर है, इन्फेक्शन है, कुछ भी ऐसे बार बार मैं फोन से और कांटेक्ट जहाँ पे मैं आती थी वहाँ पे वापस से वहाँ पे भी पूछते थे वो। ओके, ड्रेसिंग, हाँ ओके, ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है। पहले तो जैसे सोच रहे थे कि टमी टक वैसे बहुत बड़ी सर्जरी होती है लेकिन वो दौरान कुछ साइड इफेक्ट्स होने का चांस हो सकता है, पेन ज़्यादा होने का चांस हो सकता है, स्वेलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, अभी तक आपको ऐसा कुछ फील हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे मैं सर्जरी दोपहर के हुई थी, मैं शाम में ऐसे मैं अपने आप अच्छे से बैठ भी गई थी, कुछ भी नहीं हुआ, ब्लीडिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, पहले तो आप टमी टक लेके घूम रहे थे, अभी तो नहीं है तो क्या फील कर रहे हो? अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, हल्कापन और वेस्टर्न कपड़े और फिटिंग वाले कपड़े बहुत अच्छे से पहन सकती हूँ। ओके, डॉक्टर आशुतोष ये टमी टक के अलावा एब्डोमिनोप्लास्टी, ब्रेस्ट सर्जरी, लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्टिया, हेयर ट्रांसप्लांट, बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अगर कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर करना चाहते हैं? मैं सर का ही नाम बोलूंगी क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे प्रोसीजर अच्छे से करते हैं, जैसे और केयर भी बहुत अच्छे से की है। ओके, डॉक्टर आशुतोष का नेचर, उसकी टीम का नेचर और यहाँ का बहुत अच्छा नेचर है, डॉक्टर का, उनके असिस्टेंट का, उनका पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। और एलिगेंस क्लिनिक का यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्लीनिंग और सब कुछ अच्छा है। जो यूएस वालों को जो प्रॉब्लम है क्लीनिंग की वो यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दी, क्लीनिंग बहुत अच्छे से करते हैं यहाँ पे। ओके, और एक चीज, डॉक्टर आशुतोष और एलिगेंस टीम को आप 5 स्टार से कितना स्टार देना चाहेंगे? मैं 5 स्टार से भी ज्यादा देना चाहती हूँ। ओके मैडम, अगर हो तो। ओके मैडम, थैंक यू। वेलकम।